महापौर फंड का है, यानी ये किसी से कोई नगर सेवक से लिया हुआ नहीं है, ये मेयर फंड है जो आपका अपना फंड है, समझ लीजिए मेयर फंड है। तो ये आपके इलाके में उसे काम किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी मैं वादा करती हूँ हमारे मेंबरान की, तो आपको अपने वार्ड में नजर सानी रहती है, और भी जैसे दीगर जो तकलीफें हैं, रोड है, रास्ते हैं, पाइपलाइन है, गटरे हैं, और भी जो काम बाकी रह गए हैं, इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह ये लोग बोलेंगे और बताएंगे कि फला काम है, और वो काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह किया जाएगा। यह आशा है कर ले कि हमको इस मरतबा हमको किसी से भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े, और हम इतनी सीटें लेकर आए कि हम शुद्ध में सरकार बनाकर हम कारपोरेशन पर काबिज हो और शहर का डेवलपमेंट प्लान हम तेजी से चलाए। ये बात हमको समझने की है, हमको अब पूरे मालेगांव शहर में विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमारे शहर के मसाइल खत्म करके हमारे को कामयाबी और तरक्की उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब झूठी बदनामी करने वालों को, उनके पास काम है नहीं तो वो क्या करेंगे, यही काम करेंगे, ये समझने की जरूरत है। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अगर हम लोगों को, और दावा देखिए 60 सीटों का दावा किया जा रहा है, बड़ा गठबंधन बनाकर 60 सीटों का दावा किया जा रहा है, और तो अगर वो इतना बड़ा दावा सिर्फ झूठी बातें करके कर रहे हैं तो आप लोग क्या ना समझ बेवकूफ हो क्या? हमारे मालेगांव शहर की आवाम को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने, 60 काम भी नहीं करेंगे। कितने बरस हो गए बताओ, असेंबली के कोई काम, असेंबली का कोई फंड, आमदार फंड कहीं नजर आता है? बताओ कॉर्पोरेशन में से जितने भी काम आज पूरे शहर में जाल की तरह फैले हुए हैं। आज इंतजार पर बैठने के बाद हमने जद्दोजहद की, शासन से हमने 2 कोटी पहले लाया, 5.5 कोटी लाया, अभी हमारा 12 कोटी का प्रस्ताव वहाँ पर दाखिल है जिसको हम मंजूर करा के लाएंगे शहर के रोड रास्तों के लिए। इफ्तिताहिया प्रोग्राम में मैंने आकर ये चीज को देखा कि हमारे यहाँ पर जो हमारे नसीम भाई राकेल वाले, हमारे माजी नगर सेवक शरीफ भाई, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम जिम्मेदारान, ये लोग यकीन जानिए आप लोग कि ये ऐसे लोग हैं कि ये इनको आवाम की अपने वार्ड में आवाम की जो तकलीफ रहती है वो तमाम तकलीफों को ये महसूस करते हुए शेख रशीद साहब के कानों तक पहुंचाने वाले ये बहुत मौजूद शख्सियत आप लोगों के बीच रहते हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि हमारे माजी नगर सेवक जो शरीफ भाई भी है, ये जब मिलेंगे जब कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं कि यहाँ फला काम है जो रह गया था। मैं यानी आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि हम लोग इक्तदार के भूखे नहीं हैं। हम लोग अगर इक्तदार के भूखे होते तो आज मालेगांव शहर में कामकाज बिल्कुल भी ठप पड़े हुए होते। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में, जब से मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी का इक्तदार महानगर पालिका में हुआ, शहर के चारों तरफ काम बड़े जोर शोर से जारी है। क्या कारण है? आप लोगों ने अपोजिशन के भी दौर इक्तदार को देखा, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, लेकिन आप लोगों ने देखा कि काम की बुनियाद पर उनके पास काम है ही नहीं जो बात करेंगी। आज भी यकीन जानिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से मैंने इक्तदार को संभाला है, शेख रशीद साहब के बाद से मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि हमारे सभी कामों में रोड़े अटकाने का काम ये अपोजिशन की पार्टियां कर रही है, इनके नगर सेवक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कारपोरेशन मालेगांव शहर में आवाम को राहत मिले ही नहीं, आवाम की तकलीफ, आवाम तकलीफ में रहेगी तभी तो हमारे पास आएगी। उनका मकसद ये है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा तकलीफों में रहने दो, फिर हम जाएंगे फोटो खिंचाएंगे। ये फोटो छाप सियासत करने वाले लोग,
ये लोग मालेगांव शहर में तरक्की नहीं होने देंगे, लेकिन ये हम हमारी मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ हम लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब का ये हम लोगों को ये बोलना है कि वार्ड किसी का भी हो, वहाँ लोग अपने रहते हैं। तुम मेंबरान को मत देखो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वहाँ पर बसने वाले लोग हमारे हैं। हमको वहाँ भी फंड देना है और वहाँ भी काम करना है। हमने शुरू से उसे कृषि साहब के कहने पर कभी भी फंड की, कभी भी अपोजिशन पार्टियों को कमियां नहीं की। अभी ये लास्ट का साल है, बजट का आगाज होने जा रहा है, ये नया बजट पेश होने वाला है, पेश हो चुका है, मंजूरी हो चुकी है, अब ये बजट स्टार्ट होगा। लेकिन हमने ये बजट में भी ऐसा किया कि सर्वसामान्य यानी सभी लोगों को बराबर यक्षा बजट मिले, सबको समान कर दिया, सबको एक जैसा बजट दिया। हमने ये नहीं देखा कि ये दूसरे पक्ष का, ये विरोधी पक्ष का है। क्यों? उसका कारण ये कि शेख रशीद साहब का यही कहना है कि लोग तो अपने रहते हैं, मेंबर भले ही उन्होंने गलती से कोई भी चुन कर दिया हो, लेकिन लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए हम इक्तदार पर बैठे हैं, तो हम बराबर उनका बजट एक जैसा रखते हैं। यानी जो हम इक्तदार के लोगों का, नगर सेवकों का जो बजट है, वही बजट विरोधी पक्ष के सभी कारपोरेटरों को दिया जा रहा है, सिर्फ यही सोच रखते हुए कि हर इलाके में काम होना चाहिए, हर इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए, हर इलाके के बुजुर्गों को, माँ बहनों को तकलीफों से राहत पहुंचाने का काम होना चाहिए, तो ऐसी सोच रखना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ये चीज को नहीं देख रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी एक बीच में वावेला मचा कि भाई साइना फिल्टर प्लांट पर पानी में कुछ दवाएं जो है तो जहरीली मात्रा में, यानी ज्यादा मात्रा में डालने से वो जहरीली हो गई। इतना व्हाट्सएप के जरिए इतना चला कि इक्तदार की नाहली, ना काहली, सुस्ती, तुमको कारपोरेशन चलाना नहीं आ रहा है, हमें दो इक्तदार, हम चलाएंगे, मेयर मैडम इस्तीफा दी। हमने सुना, हमको भी समझ रहा है, जबकि उसका रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हमारे टेबल पे मौजूद है कि पानी शुद्ध है, पीने के लायक है, प्योर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट लेकर, कमिश्नर और पूरे वफद काफले के साथ हम साइना फिल्टर प्लांट पर पहुंचे। हमने पानी की टेस्टिंग की, हमने सब चीज के वहां पर पूरी तहकीकात की। उस पानी को लेकर सबसे पहले मैंने पिया, लेकिन कुछ भी नहीं, उसकी जो पानी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के बावजूद हमने एक रिपोर्ट और करवाया, वो पानी इतना प्योर है कि मैं समझती हूँ एक नंबर पानी है, वो पानी में कोई भी फॉल्ट नहीं नजर आया। लेकिन अपोजिशन के लोग ये कर रहे हैं कि वहां चले गए, जैसे कि फर्ज कर लो आप में से कोई एक, अभी आपकी पाइपलाइन, अब आपके हो सकता है कि गटरों से होते हुए पाइपलाइन अपनी है, कहीं पर अगर थोड़ा सा लीकेज वगैरह हो गया तो जाहिर सी बात है कि गटरों का पानी उसमें मिल जाता है, पाइपलाइन अगर अपना लीकेज है तो ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन के लोग कि वहां जाते हैं, भाई क्या तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, हम लोग का बोलने वाला, तकलीफ वाला इंसान तो बोलेगा हमारी यहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, ऐसा है वैसा है, तो उसका समाधान कराना तो दो नंबर की बात, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है, उनको चिल्लाते हुए उनके साथ खड़े रह के फोटो खिंचा ले रहे हैं। अरे भाई वाटर सप्लाई से कोई इंसान को बुलाओ, कोई बंदे को बुलाओ, उसकी जो तकलीफ है उसकी पाइपलाइन, तुम भी प्रतिनिधि हो, तुमको भी आवाम के एक वार्ड ने चुन कर दिया है, तुम उस तकलीफ को दूर करो। फोटो खिंचा के सरक जाते हैं, बाद में वो काम भी हमें ही करना होता है, हमारे ही लोग जाकर वो काम करके उनकी तकलीफ को दूर कर रहे हैं। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम ये अपोजिशन की पार्टियां, विरोधी पक्ष कर रहे हैं।